शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ सौंपते क्या लागे में। कबीर हमारा को नहीं, हम किस के जिन रचन रचाया, तिस ही माहे समान। दंडौत वंदन अनुकवा सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। गुरु गरीब नवाज साहिबे कमाल साहिबे जमाल कुल आलम दे सुल्तान खंडा ब्राह्मणा विच प्रकाशवान तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साहिब दे पवित्र चरणा विच विराजमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत, अपने मन नूं सतगुरु दे चरणां नाल जोड़ो, बड़े प्यार नाल बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत, अज आपां इत्थे सारे दिवंगत आत्मा स्वर्गीय माता जसपाल कौर जिन्हां नूं अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देण लई इत्थे पहुंचे हां, सतगुर दे चरणां च बैठे हाँ, गुरु शब्द दा गुरु नाम दा साहिब दे चरणां दा ध्यान करदे रहना तां जो विछड़ी हुई आत्मा नूं साडा कीता होया सिमरन, साडी कीती हुई सेवा, साडा दित्ता होया दान उस दिवंगत आत्मा तक पहुंच सके। आओ बड़े प्यार नाल गुरु शब्द नाल जुड़िए। राम सिमर पछताहेगा, राम सिमर पछताहेगा, राम सिमर पछताहेगा मन, राम सिमर पछताहेगा, राम सिमर
पछता है का मन, राम सिमर पछता है का, राम सिमर पछता है का मन, राम सिमर पछता है का, राम सिमर पछता है का मन, राम सिमर पछता है का, पापी जियरा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा, राम सिमर पछता है का मन, राम सिमर पछता है का, राम सिमर पछता है का मन, राम सिमर पछता है का। लालच लागे जन्म गवाया, माया परम भुलाहेगा, लालच लागे जन्म गवाया, माया परम भुलाहेगा, लालच लागे लालच लागे जन्म गवाया, माया परम भुलाहेगा, तन जोबन का गर्व न कीजे, कागज ज्यों गल जाहेगा, तन जोबन का गर्व न कीजे, कागज ज्यों गल जाएगा, कागज ज्यों गल जाएगा मन, कागज ज्यों गल जाएगा, राम सिमर पछता है का मन, राम सिमर पछता, राम सिमर पछता है का मन, राम सिमर पछता है का। जो जम आए केस गह पट के, ता दिन किछु ना बसाएगा, जो जम आए केस गह पट के, ता दिन किछु ना बसाएगा, सिमरन भजन दयान की तो मुख चोटा खाहेगा, सिमरन भजन दयाल कीनी तो मुख चोटा खाहेगा, तो मुख चोटा खाहेगा, तो मुख चोटा खाहेगा, राम सिमर पछता है का मन, राम सिमर पछताहेगा, राम सिमर पछताहेगा मन, राम सिमर पछताहेगा, राम सिमर पछताहेगा मन, राम सिमर पछताहेगा।
नाम सिमर पछताहेगा मन राम सिमर पछताहेगा। पापी जियरा लोभ करत है, पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। राम सिमर पछताहेगा मन राम सिमर पछताहेगा। राम सिमर पछताहेगा मन राम सिमर पछताहेगा। तरु राए जब देखा मांगे क्या मुख लेके जाहेगा। तरु राए जब देखा मांगे क्या मुख लेके जाहेगा। कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाहेगा। कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाहेगा। साध संगत तर जाहेगा मन साध संगत तर जाहेगा। राम सिमर पछताहेगा राम सिमर पछताहेगा। राम सिमर पछताहेगा मन राम सिमर पछताहेगा। पापी जियरा लोभ करत है, पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाए। राम सिमर पछताहेगा मन राम सिमर पछताहेगा। 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 राम सिमर पछताहेगा राम सिमर पछताहेगा। राम सिमर पछताहेगा मन राम सिमर पछताहेगा। राम सिमर पछताहेगा राम सिमर पछताहेगा। राम सिमर पछताहेगा राम सिमर पछताहेगा। राम सिमर पछताहेगा। गुरु प्यारी साध संगत सतगुर कृपा करते ने सानू समझाते ने कि राम सिमर पछताहेगा मन। गुरबाणी सतगुर दी बाणी गुरबाणी सानू साडी जिंदगी बारे बड़ा कुछ समझाती है।
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ। ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਜੇ ਸੌ ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਭੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨ। ਮਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ, ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1430 ਅੰਗ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਹਰ ਪੰਗਤੀ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਗ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ। ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ,
इस समय में वियोग किया जाता है कि एक शरीर का परिवार विचों विछड़ जाना, एक शरीर का परिवार विचों चले जाना, एक रिश्ते का टुट जाना, सदा लई उस रिश्ते का खत्म हो जाना, एक ओ रूप जिन्हों वेख के असी अपनी जिंदगी च शिक्षा लैंदे सी, जिस रूप का नाम सौखे शब्दों विच मां सी, कि उस मां तो शिक्षा लैनी, उस मां तो सेध लैनी, उस रिश्ते दा, उस पवित्र नाते दा, उस पवित्र संबंध दा सदा लई टुट जाना, इस नूं वियोग किया जांदा, इस नूं विरह किया जांदा। लेकिन गुरु प्यारी साहिब, जे धरती ते कुछ टुटदा है, जे धरती ते कुछ खत्म हुंदा है, ते जिहड़ा मालक दे चरणां च जांदा है, सतगुर दे चरणां च जांदा है, रब दे चरणां च जांदा, आखिर ओह की है? सतगुर कहिंदे ओह मन है, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल। अच्छा, कि तू अपने आप नूं समझण दी कोशिश कर, अपने आप नूं जानण दी कोशिश कर, कि जे तू अपने आप नूं समझ लिया ते तैनूं ओह पंक्ति समझ विच आ जाएगी जो सतगुर कहिंदे ने, प्राणी तू आया लाहा लैण। समझ कीनू हुंदा है? जिहड़ा अपने आप नूं जाण लैंदा है, अपने आप नूं समझ लैंदा है। गुरु प्यारे साध संगत, दुनिया दे उत्ते दो तरह दा ज्ञान है। एक ज्ञान है सुत्ता ज्ञान, एक ज्ञान है जागिया ज्ञान। जिहड़ा सुत्ता ज्ञान है ना, ओह साडी जिंदगी ते बड़ा प्रभाव नहीं पाउंदा। जिहड़ा जागिया होया ज्ञान है, ਉਹ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ। जे आपां जग विचों दुनिया विच किसे नूं पुछीए कि दुनिया की है, तां बंदा कहेगा जी दुनिया इह संसार इह सानूं मिलिया, इत्थे आपां रहिणा है, व्यापार करना है, परिवार है, रिश्तेदार है। जे आपां सतगुर नूं पुछीए दादा इह जग इह संसार की है, तां सतगुर बड़ा सौखा करके सानूं दसदे ने कि जग रचना सब झूठ है। सतगुरु सानू बड़ा सौखा करके समझाउंदे ने कि जैसे जल ते बुदबुदा उपजे बिनसै नीत, और जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। गुरु प्यारी साहिब, मैं पहला ही एक गल नूं साफ कर देवां कि इस धरती ते तीन चीजां समझणियां बहुत औखियां हैं, पर इन्नियां ज्यादा औखियां हैं, जे मैं उन्हां नूं असंभव कहता ना, असंभव तां वी कोई अत कथनी नहीं होई। ओह तीन चीजां, एक साडे शरीर विच रहण वाली जोत जिहनूं सतगुरु कहिंदे ने, ऐ शरीरा मेरिया हर तुद मैं जोत धरी तां तूं जग मैं आया। एक ओह है जो शरीर विच रहिंदी जोत है, दूसरा वो है जो जोत नूं शरीर तों अलग कर करदी है, और उसका नाम है मौत। पहली है शरीर विच जोत जिहनूं समझणा बहुत औखा, दूसरा है जो जोत नूं शरीर तों वक्ख कर करदी है उहदा नाम है मौत, ते उहनूं वी समझणा बहुत औखा। आप कह दें कि सब ने चले जाना है, पर आप जिन्ने बैठे कोई हाथ चक के कह सकता कि मौत मैनू समझ में आ जाए, मौत मैनू पता लग गई, मौत बारे मैनू 100% 100% पता लग गया। आप इन्ना कह दें जी दुनिया तो चले जाना है, लेकिन यह मौत जिन्हां दे समझ आई, मैं उन्हां बारे भी जिक्र कर दिया, जिन्हां दे मौत समझ आई करोड़ां चों कोई बिरला इक होया, जिन्हां ने कहा जिस मरने ते जग डरै मेरा मन आनंद। गुरु प्यारी साहिब, पहली गल तां मौत नूं आनंद कहना बहुत औखा है, ते आम इंसान वास्ते, क्योंकि आपां खट्टण तां सारे ही आए हां, कल्ला मैं खट्टण नहीं आया,
कला जिहड़े साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सेवा करते ने, बाणी पढ़ते ने, चरणा च रहिंदे ने, कल्ले ओ खटण नहीं आए। खटण तां आपां सारे आए, सतगुर दाता नूं सब नूं इकट्ठा समझाउंदे ने। बाणी कहिंदी है सभना जीआं का इक दाता, पर समझाउंदे सब नूं, सब नूं कहिंदे ने कि तू जाग, तू जप, तू ध्यान ला। सतगुर सब नूं कहिंदे ने कि कबीर सूता क्या करे है, बैठा रह और जाग, जाके संगते बिचुराता ही के संग ला। तो पहली चीज है जोत, दूसरी वस्तु है मौत, और तीसरी वस्तु है जीने जन्म दिता, जीने जग दिखाया, जीने सानू इस जोत नू शरीर विच पाया, पंजा तत्ता नू जोड़ के एक शरीर बनाया, और उस शय उस रूहानियत का नाम है सतगुर परमात्मा दाता। दुनिया बनाउण वाला, ये तिन्हां नू समझना बहुत मुश्किल है, और तिन्हां नू समझण लई, तिन्हां नू जानण लई ध्यान लाउणा पैंदा। जे जोत नू समझणा है तां वी ध्यान लाउणा पैंदा, जे मौत नू समझणा है तां वी ध्यान लाउणा पैंदा, और जे गुरु नू, रब नू, परमात्मा नू, सतगुर नू समझणा है तां वी ध्यान लाउणा पैंदा। अखां बंद करनियां पैणगियां जे जोत समझणी है, ध्यान लाउणा पैगा जे मौत समझणी है, और ध्यान लाउणा पैगा जे गुरु नू समझणा है। तिन्ने चीजां समझणियां औखियां, ते तिन्हां दा तरीका इक्को ही है कि जे तू ध्यान ला सकदा, जे तू सिमरन कर सकदा, जे तू समाधि ला सकदा, तां तिन्ने चीजां तेरे समझ विच आ सकदियां ने। आखो सतनाम, तिन्ने चीजां समझ विच आ सकदियां ने। गुरु प्यारी साहिब, कोई समां सी जदों गुरु दे प्यारे, सतगुर दे प्यारे ध्यान विच बैठदे सन, ते ध्यान टुटदा नहीं सी। गल नूं समझ लैणा कि कोई समां सी जदों सतगुर दे प्यारे ध्यान विच बैठदे सन, ते ध्यान टुटदा नहीं सी, ते अज दा वी समां है जदों आपां गुरु दे प्यारे ध्यान विच बैठदे आं, ते ध्यान लगदा नहीं। जदों ध्यान टुटदा नहीं सी उदों इह वस्तुआं समझणियां सौखियां सी, और अज ध्यान लगदा नहीं, इस लई इन्हां चीजां नूं समझणा बड़ा औखा हो गया। विशा वियोग दा, समां विछोड़े दा जिथे आपां बैठे हां, लेकिन इस वियोग दे समें नूं जे आपां इतिहासिक पक्ष वल जाइए, ते साहिब दे चरणां दे सेवक होए धन धन बाबा बुढ़ा जी, तो धन धन बाबा बुढ़ा जी ने इस वियोग नूं, इस मौत नूं, इस विछोड़े नूं समझिया, और समझ के ऐसा अंगीकार कीता, ऐसा स्वीकार कीता, ऐसा अपने हिरदे च वसाया इहनूं समझ के। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत, समझ लैणा इक वक्खरी गल है, लेकिन उहनूं मन लैणा, उहनूं हिरदे च वसा लैणा, इह सब तों उत्तम गल है। क्योंकि बाणी ने कहा कि जिहड़ा समझ लैंदा, स्वीकार कर लैंदा, वसा लैंदा उहनूं अपने मन विच, उह की करदा, उह आप तां तरदा ही है, मन्नै तरै तारै गुर सिख। पर इन्ना ही नहीं, जिहड़ा समझ के वसा लैंदा मन विच, आपां अज जिहड़े समें च बैठे हां, सतगुर कहिंदे मन्नै नानक भवै ना ਭਿੱਖ। ਕਿ ਭਵਹਿ ਨਾ ਭਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 84 ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ, 84 ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪੂਰਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ते भरोसा पक्का नहीं होता। जे मन की अवस्था कच्ची होवे भरोसा पूरा नहीं होता, और जे भरोसा ना होवे फिर सतगुरु की कई गल स्वीकार नहीं होती। तो साहिब कहिंदे ने कई जन्म भए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृख जोयो। सतगुरु कहिंदे जन्मा जन्मा दा तू तुरिया फिरदा सी, जन्मा जन्मा दा टेडियां जूनां विच तुरिया फिरदा सी। तू बेनती कीती असी तेरे ते दया कीती, तू बेनती कीती मालक ने दया कीती, और होया कि तैनू टेढ़ियां जूनां विचों कढ के एक सोहना जामा दिता, एक सोहना तन दिता, एक सोहना शरीर दिता, जिस शरीर विच बह के तू सिमरन कर सकदा है, सेवा कर सकदा है, ज्ञान ले सकदा है, ध्यान लगा सकदा है, समाधि ला सकदा है, कोई जग नूं भी जित सकदा है ते रब नूं भी जित सकदा है। आखो सतनाम, तैनू ऐसा सोहना शरीर मिलिया कि जग भी जित सकदा है, रब भी जित सकदा है। सतगुर कहिंदे एक गल होर समझ लै कि ए शरीर असल विच मिलिया ही इस लई है कि मिल जगदीश मिलन की होइया। ए शरीर, ए वस्तु, ए पदार्थ, ए पांच तत्व, ए मिट्टी दा पुतला, ए मिलिया ही इसलिए कि मिल जगदीश, कि तू किसे ढंग नाल अपने मालक नूं मिल लवे, अपने परमात्मा दे नाल इक मिक हो जावे, उहदे दीदार कर लवे, मिलिया ही इसलिए। गुरु प्यारी साध संगत, मैं बहुत गंभीर चर्चा नहीं करांगा क्योंकि गंभीर चर्चा छेती छेती पकड़ विच नहीं आउंदी। वैराग को अवस्था है जिन्हों मैं सबके शब्द कह देवा डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीवेयर। वैराग का मतलब है जग दी हर चीज तो टुट जाना, वैराग का मतलब है हर ममता तो टुटना, हर मोह तो टुटना, हर क्रोध तो टुटना, हर हंकार तो टुट जाना, हर अपने तो टुट जाना, हर बेगाने तो टुट जाना। इन्हू कहिंदे ने वैराग। वैराग होर सौखा कर दईए ते कबीर साहब कहंदे कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा। इहनू कहंदे ने वैराग। वैराग दा मतलब है कि जिस तरह भगत नामदेव जी, इतिहास कहंदा कि भगत नामदेव जी दे सामने परमात्मा आप खड़े, भगत नामदेव नू कहंदे नामिया तू मैनू बुलाया, मैं तैनू दर्शन दिते ते कुछ मंग लै मेरे तो। जदों मंगण वास्ते किया भगत नामदेव ने हाथ जोड़ के किया दाता मेरा दे साई गरीब निवास, मैं की मंगा तेरे तो, मैं मंगण वालिया दे हाल वेखे, मैं मंगण वालिया दी स्थितियां वेखियां ने। भगत नामदेव जी ने बाणी उच्चारण कीती कि मेरी मेरी कहरो करते दुर्योधन से भाई, बारह जोजन छतर चलै था पर देही गिरज ना खाई, सर्व स्वयं की लंका होती रावण ते अधिकाई, कहा भयो दर बंद है हाथी खिन में पई, पराई दुर्वासा से करत ठगोरी यादव ए फल पाए। सारा इतिहास सुना, त्रेता युग तो लैके द्वापर युग तक सारियां घटनावां सुना दित्तियां। भगवान कहिंदे नामिया पर मैं तेरे कोले आया, तैनू दर्शन दित्ते ने, कुछ तां मंग लै। जदों किहा कुछ तां मंग लै, भगत नामदेव ने हाथ जोड़ के किहा सचे पातशाह गरीब निवास जे कुछ देना ही है ते इह किरपा कर दिओ, कर किरपा जन अपने उपर नामदेव हर गुण गाए। गुरु प्यारी संगत विचार के वेखो कि किन्नी बंदगी कीती होएगी कि उन्हां नूं रब दे दर्शन होए, किन्नी भगती कीती होएगी कि परमात्मा दे दर्शन होए, लेकिन अज दर्शन होए ते फिर कह रहे ने कि होर भगती दे दे।
अज दर्शन होए ने ते कह रहे ने होर बंदगी दे दियो, अज दर्शन होए ने ते कह रहे ने होर वैराग दे दियो, अज दर्शन होए ने ते कह रहे ने के होर तप करन दी शक्ति दे दियो। सतगुर यही ता कहंदे ने सानू जे अपने दाते नू कुछ कहना ता ए किया कर के एक दो जीवो लख होए लख होवे लख बीस। सचे पातशाह ऐसी मेर कर दियो लख लख गिड़ा आखी है एक नाम जगदीश। अज भगत नाम देव जदों भगवान नूं कहा भगवान कहिंदे नामिया कुछ तां मंग लै, कहिंदा शक्ति इन्नी दे दियो कि तप कर। आपां सियाणे बैठे हां विचार के वेखो कि किन्नी बंदगी कीती होएगी कि रब सामने दिखिया होएगा। और भगत नामदेव जी बारे तां कहा जांदा एक वार नहीं 72 वार रब दे दर्शन होए उन्हां दा। किन्ना तप होएगा, किन्ना वैराग होएगा, किन्ना सिमरन होएगा, किन्ना त्याग होएगा कि रब सामने दिखिया ते दुनिया बनाउण वाला दाता सामने खड़ा है। लेकिन भगत नामदेव जी ने यह नहीं किया कि मेरी गरीबी दूर कर दियो, मैनू राज दे दियो, मैं दुनिया का राजा बन जावा, मैं सब तो बलवान बन जावा, मैं सब तो धनवान बन जावा, यह नहीं किया। जे उत्थे गल कही तो सिर्फ इन्नी गल कही कि दाता डुबदे पत्थरां नूं तारण वालिया, 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 साडा बेड़ा पार करी, 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 साडा बेड़ा पार करी। ओ डुबदे पत्थरां नूं तारण वालिया, 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 साडा बेड़ा पार करी, 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 साडा बेड़ा पार करी। ओ डुबदे पत्थरां नूं तारण वालिया, डुबदे पत्थरां नूं तारण वालिया, कदों आवेगी गरीबां वाली वारी, 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 डुबदे पत्थरां नूं तारण वालिया, डुबदे पत्थरां नूं तारण वालिया, साडा बेड़ा पार करी, 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 साडा पार करी, साडा बेड़ा पार करी, डुबदे पत्थरां नूं तारण वालिया, डुबदे पत्थरां नूं तारण वालिया। भगत नामदेव जी ने बार बार यह वैराग की पराकाष्ठा, यह वैराग की चरम सीमा। धन धन बाबा बुढ़ा जी ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जदों जग तो जान लगे
लीला धारी सतगुर अपनी लीला समेट के जान लगे। धन धन बाबा बुढ़ा जी नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने गरीब निवाज ने पुछया सी, कहिंदे बुढ़िया मैं इन्ना कुछ सुटिया ते तू चक्या नहीं। तो धन धन बाबा बुढ़ा जी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की गल नूं सुनिया और सुन के कहण लगे सचे पातशाह जी नूं तुसी सुट दिता मैं उन्हूं चक के करांगा, जिन्हों तू ही सुट दिता मैं उन्हूं चक के करांगा। कि सतगुर कहण लगे बुढ़िया जे समान नहीं चाहिदा फिर तैनूं चाहिदा की है। तां धन धन बाबा बुढ़ा जी महाराज ने कहा सी सचे पातशाह मैनूं सुटिया होया समान नहीं, मैनूं तुसी आप चाहिदे। आखो सतनाम। सतगुर सामने खड़े फिर कहिंदे ने कहिंदे बुढ़िया वेला है समा है मौका है, जे कुछ मंगना है ते अज मंग लै। ओए दुनिया तो असीं जा रहे हां, जो मंगेगा वह दे देंगे। हुण गुरु प्यारी साहिब सिंह सोचण वाली गल इह है कि जिहनूं सतगुर नानक देव जी महाराज आप कह रहे हो, जिहनूं दातार आप कह रहे हो कि मंग लै कुछ मेरे तो मैं तैनूं उही दे देंगा, ते अगों हाथ जोड़ के कहिंदा होवे सचे पातशाह जे मेरी करनी है तां इह कर दिओ कि बिसर नाहीं दातार अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात नानक चाओ। ओ लोक वैराग नाल भरे हुए लोक, वैराग दी मस्ती विच डुबे हुए लोग कि जिन्हों सतगुर आप कहिंदा सी कि कुछ मंग लै, लेकिन उन्होंने सतगुरां तो कुछ मंगिया नहीं, क्योंकि वह इस गल नूं समझदे सन कि विण तुद होर जे मंगणा सिर दुखां कै दुख और देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। कि तेरे बिना दादा तेरे तो बिना सचे पातशाह जे मैं कुछ भी मंगिया मैनूं पता मैनूं मुश्किल आ जानी, मैनू तकलीफ आ जानी, मैनू दुख आ जाने ने, क्योंकि दुनिया दे विच कुछ भी मंग लो उस मंगण दे पिछे उस प्रार्थना दे पिछे उस समान दे पिछे जिथे सानू सुख दिंदा है गुरु प्यारी साध संगत उथे गुरु दे प्यारियां नू उस वस्तु दे पिछे दुख दिंदे ने। इसे लई जिन्हां ने बंदगी कीती भावें वह भगत कबीर साहब सन भावें वह भगत रविदास जी सन जिन्हां ने कहा बहुत जन्म बिछड़े ते माधव ए जन्म तुम्हारे ले ले। गुरु प्यारी साध संगत ये तो परम वैराग है, छेती छेती पकड़ विच नहीं आउंदा, क्योंकि सतगुर तां धरती दी दशा वेख के कह दिंदे ने कि जगत मैं झूठी देखी प्रीत और अपने ही सुख स्यों सब लागे क्या दारा क्या। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत दुनिया बंधना की बजी हुई है, जेड़ा रिश्ता बराड़ परिवार विचों टुटिया वो रिश्ता एक माता का एक धर्म पत्नी का और एक दादी का रिश्ता कि घर विचों स्वर्गीय माता माता जसपाल कौर जे अपने शरीर को त्याग के सतगुर के चरणों च विराजी ते उत्थे ओ सरदार मेजर सिंह बराड़ इन्हां दी धर्म पत्नी और उत्थे ओ सरदार परमजीत सिंह बराड़ इन्हां दी माता है और सरदार गुरतेज सिंह इन्हां दी दादी है। गुरु प्यारी साध संगत हुण मैं चर्चा करांगा घर दी, क्योंकि जो सतगुर दी बाणी है वैराग है ये शरीर तो परे दी अवस्था है। जे असी शरीर विच बैठे हाँ शरीर नाल प्रेम करते हैं शरीर बारे सोचते हैं तो सच जाने हो साडे अंदर वैराग हजे पैदा नहीं होया। वैराग तां उह अवस्था है जिथे जाके गुरु दे प्यारियां ने कहा कि कागा करंग टडोलिया सगला खाया मास ए दोए नैना मत छोयो फिर देखन की आस। हुण गुरु प्यारी साध संगत वैराग का वह अवस्था है जिथे जाके गुरु दे प्यारियां ने कहा कि तन सुखा पिंजर थिया तलियां खूंड है काग और अजय सुरब ना बौड़े देख बंदे के पाग। ये वैराग की वह अवस्था है। लेकिन अज इस धरती नू जे कोई जरूरत है
ते धरती नूं जरूरत है जागे हुए ज्ञान दी। जे जवानी नूं जवाना नूं बच्चिया नूं जरूरत है ते बच्चिया नूं भी जरूरत है जागे हुए ज्ञान दी। मेरी गल नूं बड़े ध्यान नाल सुनना क्योंकि महापुरुषां दी रहमत ब्रह्मलीन ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष धन धन संत बाबा करनैल दास जी उन्हां दीआं रहमतां सदका उन्हां तों जो असीं मार्गदर्शन लिया और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का जो आसरा लिया ते जो महापुरुषां ने सानूं थोड़े बहुत अनुभव दिते ने वो अनुभव असीं तुहाडे नाल सांझे करने। गुरु प्यारी साथी जागिया होया ज्ञान जवानी जिहड़ी है बच्चे जिहड़े ने पुत्तर जिहड़े ने जे उन्हां नूं सब तो ज्यादा जरूरत है तो जागे हुए ज्ञान दी। जागया होया ज्ञान का मतलब की हुंदा समझ लेना। सुत्ता जिहड़ा ज्ञान है वह कदे नहीं कहिंदा कि ए कर ते ए ना कर। सुत्ता ज्ञान कहिंदा जो मर्जी कर, जिंदगी तेरी है, जीवन तेरा है, शरीर तेरा है, समा तैनू मिलिया है। पर सुत्ता ज्ञान कह रहे हैं जो मर्जी कर, जिवें मर्जी ज्यों लै, जिधर मर्जी तुरिया फिर। इहनू कहिंदे ने सुत्ता ज्ञान। और मैं ये कहना चाहूं कि अज कल का जवान ज्यादातर इस ज्ञान का पालन कर रहे ने कि जिंदगी मेरी है, समा मैनू मिलिया, ज्यौना मैं ते मर्जी भी मेरी चलेगी जिवें मर्जी ज्यों लै। और गुरु प्यारी साहिब लेकिन एक जागिया ज्ञान जिहड़ा वो जागिया ज्ञान कहिंदा कि ए करेगा तैनू खुशी मिलेगी और ए करेगा तैनू दुख मिलेगा, ए करेगा तेरे मन नू शांति मिलेगी और ए करेगा ता तेरा मन बेचैन हो जाए। ये जागिया ज्ञान। लेकिन गुरु प्यारी साहिब हुण ज्ञान लैण दी भी तां इक थां हुंदी है भी जे तुसी गुरबाणी दा गुरमत दा ज्ञान लैणा है ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कोले आना पएगा, चरणा च बहना पएगा, किसे तो संथिया लैनी पएगी। हुण इह जागिया ज्ञान क्योंकि दुनिया च हर बंदा पढ़िया लिखिया नहीं, अनपढ़ भी बहुत ने। दुनिया च बहुत लोग ऐसे ने जिन्हां तों बोलिया नहीं जांदा, गूंगे भी बहुत। दुनिया च बहुत लोग ऐसे ने जिन्हां नूं सुणदा नहीं, बोले भी बहुत ने। और दुनिया च ऐसे लोग भी बहुत ने जिन्हां नूं दिखाई नहीं दिंदा, अन्ने भी बहुत ने। ते फिर ज्ञान तां प्यारे ओ गूंगे नूं ही चाहिए, ज्ञान तां बोले नूं ही चाहिए, ज्ञान तां अन्ने नूं भी चाहिए। क्योंकि भावें गूंगा भावें बोला भावें अन्ना है, शरीर तां रब ने दुर्लभ दित्ता है, ये मनुख दा जामा तां दुर्लभ दित्ता है, ते जिंदगी सफलता उह भी करना है। गूंगा भी तो रब नूं पाउण आया, बोला भी तो रब नूं पाउण आया, अन्ना भी तो रब नूं पाउण आया। क्योंकि ये जे तुसीं बहुत गंभीर विवेचन करो तो महापुरुष कहिंदे ने ये जन्म अखीरला हो सकता है। 84 लाख जूनां च जिथे ये उत्तम है उत्थे अखीरला हो सकता है। और एदू अगे तैनूं तेरी मंजिल मिल सकती है, जिस मंजिल बारे गुरबाणी कहिंदी ओ मंजिल कि जिस मंजिल दे विच तैनूं तेरे अपने सतगुर दे दर्शन हो जाण, उहदे नाल मिलाप हो जाए। इसलिए तो बाणी ने कहा कि गुरसेवा ते भगत कमाई तवे मानस देही पाई। और सतगुर कहते ध्यान रखा करे देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव, और पजहो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाओ। गुरु प्यारी साहिब गूंगा है, बोला है, अन्ना है, जन्म सफलता उन्होंने भी करना है, ते जेड़ा बिल्कुल ठेठ अनपढ़ है जिंदगी सफलता उन्हें भी करनी है। हुण जागिया ज्ञान होवे किथे, मिले किथे, फिर वह ज्ञान लैण किथे, जिथे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी। और बाणी बारे कहा जाता है तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। पहला है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कि जिन्हां दा ज्ञान जिन्हां दी शिक्षा कि जिन्हां दा मार्गदर्शन साढ़े जन्म जन्मां दी चिंता नूं दूर कर दिंदा।
क्योंकि साहिब की बाणी कहती है कि जा को मुश्किल हत बने ढोई कोई ना दे लागू होए दुश्मना साख भी भज खले और सबो भजे आसरा चुके सब असराओ चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना ताती वाओ। सतगुर की बाणी पहला साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का ज्ञान, दूसरा गुरु दे रंग विच रंगे हुए महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी साधु गुरमुख सिमरन दे रसिए उन्हां द्वारा दिता जाण वाला ज्ञान। पर गुरु प्यारी साध संगत ना तो अपने तो 24 घंटे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का संग हुंदा और ना ही अपने तो बड़ा समा बहुत ज्यादा समा रब दे रंग विच रंगे हुए महापुरुषां दा संग हुंदा है। फिर गुरु प्यारी साध संगत फिर कोई होर ऐसी थां भी है जिथे जागिया ज्ञान मिल सके, क्योंकि आपां कोई कविता पढ़ी है ना, किसी आम सधारण बंदे दी लिखी किताब पढ़ी है, उस किताब नूं जागिया ज्ञान नहीं किया जांदा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी का एक एक अक्षर जागिया ज्ञान है, क्योंकि जिथे गुरबाणी कहती जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल, उथे ही साहिब की बाणी कहती है कि जे तू सिमरन ना किया जे तू बंदगी ना की फरीदा तिना मुख डरावणे जिन्ना विसारियो नाओ ऐथा दुख कनेरिया अगे ठौर ना थाओ। तो साहिब दी बाणी जागिया ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जागिया ज्ञान। हुण इह जागिया ज्ञान कितों होर भी मिल सकदा, हुण जिहड़े लोग संग नहीं कर सकदे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा महापुरशां दा, उहनां नूं इह जागिया ज्ञान कित्थों मिलेगा? ते साडे महापुरशां तों सानूं मिली इह शिक्षा कि तीजे थां जागिया ज्ञान जिहड़ा तुहानूं मिल सकदा है उह ज्ञान मिलदा सानूं जन्म देण वाली साडी मां तों। आखो सतनाम। जागिया ज्ञान तीसरी शख्सियत दुनिया दी, तीसरी शख्सियत दुनिया की जे कोई है तो उसनूं सौखे शब्दों च मां किया जाता है, जन्मदाती किया जाता है, जन्म देण वाली किया जाता है। उहदे कोले जागिया होया ज्ञान हुंदा है, उस मां कोले जागिया ज्ञान हुंदा है। मां जदों भी समझाएगी सच नाल जोड़ेगी, मां जदों भी दसेगी गुरु नाल जोड़ेगी, ओए मां जदों भी चलाएगी सीधे राह पाएगी। उस मां कोले जागिया ज्ञान हुंदा है। हुण जागे ज्ञान वाले एक इंसान का मैं तुहाडे नाल चिंतन करना। इतिहास है अज तो 9 लाख साल पुराना, इतिहास है अज तो लगभग 9 लाख साल पुराना, क्योंकि आपां बैठे हां कलयुग विच जो एक सिस्टम है रब दा बनाया। इस तो पहला जिहड़ा युग सी उसका नाम सी त्रेता युग, द्वापर युग, और उस द्वापर युग की उम्र जो शास्त्र दसते ने लगभग 4,32,000 साल की उम्र। और उस तो पहला एक युग आया जिस युग का नाम सी त्रेता युग, और वो युग उस युग दे विच एक परिवार होया जिहड़ा बिल्कुल गरीब सी। हुण प्यारी साध संगत गरीब अमीर होण नाल बंदा कोई छोटा जां वड्डा नहीं हुंदा। सतगुर दी बाणी पढ़ो, गुरबाणी पढ़ो। सतगुर कहिंदे बस्ता टुटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, कि जिहदे कोले झोंपड़ी नहीं, और झोंपड़ी है तां इन्नी ज्यादा कंडीशन खराब है कि झोंपड़ी विच रहना बहुत औखा। बस्ता टुटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पात ना आदरो उदयान परमिन्ना, मित्र ना इठ धन रूप हीन किछ साख ना सिन्ना। सतगुर कहिंदे जिहदे कोले कख भी ना होवे जे उहदे कोले इक वस्तु आ गई ते उह दुनिया दा राजा बन सकदा, दुनिया उन्हें पूजन लग सकती है। वो वस्तु केड़ी है? सतगुर कहते हर नाम मन भिन्ना, कि जेड़ा मेरी हुक्म नाल जुड़ गया, जेड़ा मेरी समझ नाल जुड़ गया, जिन्हें सिमरन नूं अपने मन विच वसा लिया। सतगुर कहते राजा सगल सृष्ट का हर नाम मन भिन्ना। इन्ना ही नहीं,
राजा भी बनेगा ते दुनिया की करेगी तिसकी धूड़ मन उधर है। लोग ओदी धूड़ मंगणगे, लोग ओदे पिछे पिछे चलणगे। तो गुरु प्यारी साहिब त्रेता युग जदों एक रब दा अवतार होया जिन्हां दा नाम सी राम, उस समय एक परिवार होया। परिवार बड़ा गरीब सी, माता पिता उन्हां दे कोले इक्को ही पुत्र सी। तीन जाने एक झोंपड़ी च रहिंदे ने। माता पिता की जिहड़ी स्थिति है, माता पिता की जिहड़ी कंडीशन है, माता पिता नूं अखां तों दिखाई नहीं दिंदा, दोने अन्ने ने। एक ता गरीबी और दूसरा माता पिता अन्ने रहिंदे झोंपड़ी विच, ते पुत एक इकलौता। ते ओह पुत्र की करदा, ओह सारा दिन अपने माता पिता दे कोल रहिंदा, नेड़े रहिंदा। जिहड़ी ओह कमाई भी करन जांदा है ते इन्नी कु दूर जांदा कि जे मां मैनूं प्यो मेरा आवाज़ मारे तां मैं भज के आ जां। जदों तो उस पुत्र ने होश संभाली, सुरत संभाली, ओ पुत्र अपने माता पिता की सेवा विच लग्या होया, अपने माता पिता के चरणों कोले रहिंदा सी, नेड़े रहिंदा सी, सेवा करदा सी। ते उस पुत्र का नाम सी सरवण कुमार। पुत्र सेवा करदे जवान होया, जवानी आई पुत्र ते, लेकिन पुत्र जवानी आ गई ना कोई दोस्त है, ना किसे आले दुआले दी बुराई दा उन्हूं कोई मन विच आउंदी है, क्योंकि बुराइयां तो उस समय भी बहुत सन। जिस समय दे विच रावण वर्गा राजा होया, जिस समय राक्षसां दा राज होया, जिस समय बुराइयां चारे पासे धरती ते घूमियां घूमी जांदियां सन, असीं तां कल्ला ग्रंथां च पढ़िया, असीं तां सोच भी नहीं सकदे उस समय किस तरह दीआं बुराइयां रह रहीआं होणगीआं धरती ते। जदों राक्षस संतां नूं मार दिंदे सन, ऋषि मुनियां नूं खा जांदे सन, की पता किस तरह दे अत्याचार हुंदे होण। और उस समय जिस समय वह राजा होया जिन्हों अज तक लानता पई जांदियां ने, जिदे बारे बाणी कहिंदी है कि लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तेह रावण कर खबर ना पाई। वह राजा कि जिन्हों अज तक लानता पैंदियां ने, और उस समय यह पुत्र जिहदा नां सरवण कुमार दिन रात अपने माता पिता दे कोल रहिंदा, सेवा करदा। गुरु प्यारी साध संगत जे सुनदा ते अपनी माता पिता दी गल, जे मनदा ते अपने माता पिता दी गल, जे कोई गल कहनी चाहुंदा ते ओह भी ओह कहिंदा जिहदे नाल माता पिता नूं सुख मिले। मैं अज दे समय दी संकेत करदे होए गल करदा कि ओह गल भी ओह कहिंदा जिहदे नाल मां खुश हो जाए, जिहदे नाल पिता नूं खुशी मिले। समां लंघदा गया, बीतदा गया। एक दिन बैठे हुए पुत्र नूं मां कह बैठी, पुत असी सुनिया धरती ते बड़े तीर्थ ने। जदों कहा कि धरती ते बड़े तीर्थ ने, पुत्र ने कहा माता जी हां तुसी सही सुनिया। मां ने कहा पुत्र मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं तीर्थ वेख के आवां। जदों कहा तीर्थ वेख के आवां, हुण सच्चा पुत्र, धर्म पुत्र, अपने माता पिता का सेवक पुत्र। पुत्र ने यह नहीं कहा माता जी दींदा तो है नहीं, देखोगे कि तुहानू दिखाई नहीं दिंदा, देखोगे कि। ते पुत्र ने कहा माता जी चिंता नहीं करनी, मैं चलांगा नाल तुहाडे, मैं तुहानू तीर्थ दिखा के लियावांगा, यात्रा करवा के लियावांगा। जदों सरवण कुमार ने इन्नी गल कही ते मां उदास हो गई, पिता उदास हो गया। सरवण कुमार कहिंदा माता जी पिता जी की गल हो गई। दोने कहण लगे पुत्र तीर्थ यात्रा तां तू कह दिता कि मैं करवा लियावांगा, पर अपने कोले तां कोई साधन नहीं है, अपने कोल कोई पूंजी नहीं, आपां गरीब हैं, आपां नूं तां मंगियां भी किसी ने कुछ नहीं देना। और गुरु प्यारी साध संगत ध्यान देना मेरी गल ते, सरवण कुमार ने अपने माता दे चरणां ते हथ रखिया सज्जा, पर खब्बा हथ अपने पिता दे चरणां च रख के कहा, कहिंदे माता जी पिता जी मेरे सर ते जे तुहाडा हथ है ते मैनूं किसे तों मंगण दी लोड़ ही नहीं, जे मैनूं तुसी आशीर्वाद दिंदे हो
मैनू किसे अगे हाथ अड्डण दी लोड़ नहीं। माता जी ने कहा पुत्र जान वास्ते कुछ ता चाहिदे, तां पुत्र ने कहा माता जी पिता जी तुसी मेरे सर ते हाथ रखो साधन अपने आप बन जाण। मां दी उदासी दूर हो गई, पुत वास्ते दुआवां करदी है रब्बा मेरे पुत्र आग्याकारी पुत्र नूं इन्नी ताकत दई इन्ना बल दई कि मेरा पुत्र सदा सुखी रवे ते साडी सेवा हिम्मत नाल करे। हुण मां दीआं सीसां असी इतिहास नूं सुणदे हां कि श्रवण कुमार ने एक वहंगी बनाई, जदों वहंगी चक्की एक पासे माता दूजे पासे पिता, दोनों नूं जदों बिठाया ते मोढ़ियां ते चकिया माता पिता ने। मैं पढ़ रहा सी रचना, पढ़ रहा सी इतिहास ते उन्हां दा संवाद, ते माता पिता दोने वहंगी च बैठे ने, ते माता जदों श्रवण कुमार ने मोढ़ियां ते वहंगी चकी, हजे तक नहीं सी पता कि लैके किवें जाणा है, जिवें ही बैठ वहंगी मोढ़ियां ते चकी मां बोल पई पुत्र तू सानू मोढ़ियां ते चकिया है, सानू लैके किवें जाएगा, साडा बोझ तैनू तुरन नहीं देगा। ते श्रवण कुमार ने कहा अपने माता पिता नूं पिता जी माता जी मेरा बोझ तुहाडा बोझ मैनू, कहिंदे मैनू ओह वेला याद है जदों तुसी मैनू मोढ़ियां ते चकदे सी, तुसी मैनू गोदी चकदे सी। मां ने कहा पुत्र तू तां बहुत छोटा सी, ते पुत ने कहा मां नूं माता जी जे छोटे नूं गोदी चकिया गोदी खिडाया मोढ़ियां ते बिठाया तां ही तां इह छोटा वड्डा होया, तां ही तां बचपन जवानी विच आया, तां ही तां इस बेजान शरीर नूं जान मिली। जे मैं अज जवानी माण रहे हां ते ओह कीदी किरपा, ओह तुहाडी किरपा। जे मैं अज जवानी माण रहे हैं तो कीदा आशीर्वाद, तुहाडा आशीर्वाद। अज मैनू इस काबिल जे बनाया है तां तुसी बनाया है, मैनू तुहाडा कोई बोझ नहीं, इह तां मेरे ते रब दी किरपा होई है। श्रवण कुमार ने कहा कि माता जी पता नहीं किन्ने जन्मां दे मेरे बोझ लै जाणे। आखो सतनाम, अपने बुजुर्गों की सेवा माता पिता की सेवा करते हुए एक पुत्र वहंगी चक के कहता माता जी पता नहीं किन्ने जन्मां दे बोझ लैने ने तुहाडी सेवा करके। हुण ओह सेवादार पुत्र चल पिया वहंगी लैके, और इतिहास कहता तुरिया जाता जदों सरजू के कंडे पहुंचिया माता पिता नूं प्यास लगी। इह जागे होए ज्ञान नूं वहंगी च भा के लई जांदा, माता पिता नूं प्यास लगी। माता पिता ने कहा प्यास लगी पानी पीना, वहंगी रखी श्रवण कुमार गया पानी लैण वास्ते। और उस समय दा इक राजा जिहदा नाम दशरथ, और उस राजे ने एक बाण चलाया तीर चलाया जिहड़ा तीर श्रवण कुमार दे सीने च लग्या डिग्गिया। जदों हाय हाय पुकारिया ते राजा दशरथ श्रवण कुमार दे कोल गया, भज के उहदे कोल जाके बैठा ते श्रवण कुमार नूं वेख के इक धर्मात्मा राजा रोण लग्या ते गोदी विच सिर रख के कहण लगा कहिंदा ओ पुत्तर मेरे तों बहुत वड्डी गलती हो गई कि मैं तैनूं तीर मार बैठा। हुण जागे होए ज्ञान दी सेवा करन वाला पुत्तर राजे दशरथ नूं इह नहीं कहा कि तू गुनाह कीता, राजे दशरथ नूं इह नहीं कहा तू पाप कीता है। जागे होए ज्ञान दी सेवा करन वाला पुत्तर कहिंदा राजन ओ तेरा कसूर कोई नहीं है, मेरा समा खत्म हो गया। आखो सतनाम, बाणी कहिंदी क्या जाना किव मरे हैगे कैसा मरना होए। अज उस जागे होए ज्ञान वाले दी सेवा करन वाला पुत्तर कहिंदा राजन कसूर तेरा नहीं, मेरा आखरी समा आ गया। राजा कहिंदा मैं राजा है तो तू कोई गल दस, कोई इच्छा कर, मैं पूरी करांगा। तू आखे ते तेरा जिहड़ा परिवार है मैं उहदे नां आपदा अयोध्या दा राज कर दिंदा। धर्मात्मा राजे दे वचन कि जे तू आखे तो मैं सारा राज दे देंगा तेरे परिवार को, और मैं जदों तक मेरे साह चलते ने तेरे परिवार की मैं सेवा करांगा। और उस श्रवण कुमार ने कहा कहिंदा राजन मेरा परिवार बहुत छोटा जाए ते जेड़ा मेरा परिवार है उन्हें राज नहीं चाहिए। आखो सतनाम,
राजे ने कहा तेरे परिवार च कौन है? पुत्र ने कहा मेरे परिवार च एक मेरी मां है ते दूसरा मेरे पिता जी है। ये दो ही इंसान ने, दोनों नु अखां तो दींदा नहीं ते ना उन्हां नु महल चाहिए, ना झोंपड़ी चाहिए है, ना आसन चाहिए, ना सिंघासन चाहिए है, कोई उन्हां नु तां पुत्र चाहिए सी जिहड़ा अज दुनिया तो जा रहा है। जदों ये किया क्यों पुत्र चाहिए? महाराज दशरथ कहिंदा हुण तेरी तमन्ना की? कहिंदा एक लोटा पानी दा मेरे माता पिता को ले जा, उन्हां नु जाके पानी पिला। हुण पुत्र सेवादार पुत्र जदों इन्नी गल कही इतिहास कहिंदा महाराज दशरथ लैके गया पानी पिलाया जल पिलाया उन्होंने माता पिता नूं, पर पुत्र भी योग विच माता पिता भी दुनिया तों चले। मेरे कहण दा मतलब अज तो कई लख साल पहलां दी इह घटना ते गुरु प्यारी साध संगत अज भी साडे घर विच मावां जे कुछ मंगदियां ने तां सिर्फ इक्को गल करदियां ने कि रब्बा पुत्र देई पर देई सरवण कुमार वर्गा, पुत्र देई देई सरवण कुमार वर्गा। जिथे मावां साडी जिंदगी नूं संवारदियां ने, सानू तारदियां ने, सानू सच नाल जोड़दियां ने, गुरु प्यारी साध संगत ओए अज उन्हां मावां नूं जरूरत है। मैं इस मौके ते जिथे स्वर्गीय दिवंगत आत्मा माता जसपाल कौर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों च उस अकाल पुरख के चरणों च जा विराजे ने, इस मौके ते एक मां का रिश्ता टुटिया है, एक मां का रिश्ता पासे होया है, ते मैं अज एक संदेश देना चाहवा जिथे मावां सानू संवारदियां ने सानू तारदियां ने उत्थे पुत्रां का धर्म बनता है, पुत्रां का भी फर्ज बनता है कि जन्म देने वालियां मावां नू सदा सुख दिते जाण, जन्म देने वालियां मावां दी सदा आग्या मन्नी जावे, जन्म देने वालियां मावां जो कहिंदियां ने ओह कम कीते जाण, क्योंकि बाणी भी कहिंदी है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा इंसान ये मावां दीआं असीसां ने जिहड़ियां तारदियां ने संवारदियां ने, हुण इक पासे तां सरवण कुमार और दूजे पासे महाराज दशरथ दे पुत्र राम। हुण इक छोटी जी घटना होर कि राम जी ते रावण दा युद्ध चल रहा है, लड़ाई हो रही है लंका दे विच, बाण चल रहे ने, राम तीर चलाउंदे ने, रावण दा सिर कट जांदा है, रावण तीर चलाउंदा ते राम जी नूं लगदा नहीं। रावण गया अपने गुरु कोले शुक्राचार्य कोले ते गुरु नूं जाके कहिंदा गुरु जी मैं तीर चलाउंदा राम दे लगदा नहीं, राम तीर चलाउंदा मेरा सिर वटिया जांदा है, कि कारण की है? ता गुरु शुक्राचार्य ने कहा रावण ओए तू भावे कई जन्म युद्ध करी चल राम नाल तू मार नहीं सकदा। शुक्राचार्य ने जदों इन्नी गल कही ता रावण कहण लगा क्यों नहीं मार सकदा? गुरु शुक्राचार्य ने कहा उहदा कारण इह है कि जिहड़ा राम है ना उहदे ते तिन तिन आशीर्वाद कम करदे। पहला आशीर्वाद उहदे सतगुर दा, उहदे गुरु दा, दूसरा आशीर्वाद उन्हें जन्म देने वाली उहदी माता दा, तीसरा आशीर्वाद उहदे पिता दा, क्योंकि राम ने गुरु की भी सेवा की, माता पिता की भी सेवा की, इन्हां दे दित्ते हुए आशीर्वाद कदे व्यर्थ नहीं जांदे। ते साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कहिंदे गुरु प्यारी साध संगत जे जग ते कोई जागिया ज्ञान वाला इंसान आशीर्वाद दे सकदा ते पहला गुरु है, दूसरे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने, ते तीसरा रुतबा है मां दे कोल। ताई बाणी लिखी पूता माता की आसीस निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा पजाओ जगदीश। इन्हां रिश्तियां दी संभाल, इन्हां रिश्तियां दा माण, क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत एक बारी शरीर चों साह दुनिया तो अलग हो गए फिर दोबारा ना ये शरीर मिलता है ना सोने साह मिलते ने। महापुरुष कहते ने नयो लबने लाल गवाचे, यो लबने लाल गवाचे, नयो लबने लाल गवाचे, नयो लबने लाल गवाचे, स्वासानू ना रोल बंदेया, स्वासानू ना रोल बंदेया,
ਸ਼ਵਾਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲ ਬੰਦਿਆ 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 ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ ਸ਼ਵਾਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲ ਬੰਦਿਆ 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 ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ ਸ਼ਵਾਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲ ਬੰਦਿਆ 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 ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਰਮ ਮੈਂ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮਾਵਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਿੰਨ ਮਾਵਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਨੇ ਭੈਣੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੂਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨੀ ਭੈਣੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀ ਭੈਣੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਪਾਲਾ ਭੋਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਹੀ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਚੱਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘੜੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦੂਸਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੁੱਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ 100 ਕੁ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਆਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ
ते जो दूरों ओने मां वेखी ना ते चलदे साइकिल तो छाल मार दिती भज्जिया आ रहा है मां मां करदा तुरिया आ रहा है भज्जे आउंदे दियां पैर चो चप्पलां लै गईयां नंगे पैर भज्जिया मां मां करदा जदों आया मां दे कोल मां दे सिर ते जिहड़ा पानी दा घड़ा पिया सी ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਏ ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਬੋਝ ਤੂੰ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਏ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀ ਦੋ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਭੋਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲਗਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਐਸੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਸਵਰਗੀ ਮਾਤਾ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਧਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹਿ ਗਏ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਲੀ ਯਾਰ ਵਲੀ ਕਧਾਰੀ ਪਰ ਅਲੀ ਯਾਰ ਵਲੀ ਕਧਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਵਲੀ ਕਧਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀ ਯਾਰ ਵਲੀ ਕਧਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਲੀ ਕਧਾਰੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਰਤ ਜਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਜਰ ਨਾ ਸਕਿਓ ਵਲੀ ਕਧਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ
सच समझ आया कि जिदे तुरिया फिरदा है वह पानी पिया सकता है। जदों भाई मरदाना जी की प्यास बुझाई इशारा किया धरती वल पंज दरियावां दा पानी निकलिया मिठा भाई मरदाना जी ने पीता। इतिहास कहिंदा लोक भज्जे पानी पीण बली कंधारी नूं पता लग्या हंकार विच आया पत्थर रोड़ दिता। जदों पत्थर रोड़े ते भाई मरदाने ने कहा सचे पातशाह ने पत्थर चला दिता। ते साडे कवि कहिंदे दाते कहा मरदानिया धर धीरज कोई होया की जे पत्थर चला दिता तख्त जमींदा असी पलटा दईए बल इन्ना है सानू खुदाए दिता तैनू जंगलां विच नहीं मरन दिंदे ते रौला कास नूं एवें मचा दिता ते खब्बे हत्थ दा ला आनंद पंजाब पत्थर उत्थे दा उत्थे अटका दिता। आखो सतनाम जदों पत्थर रुकिया हुण बली कंधारी भी सिमरन करन वाला जदों पत्थर रुकिया भज्या पहाड़ तो थले आया हुण एक नूं ज्ञान कराया पहाड़ ते चढ़ा के भाई मरदाना जी नूं ते दूजे नूं ज्ञान करवाउंदे ने पहाड़ तो ला के। आखो सतनाम सच जाणे हो रब दे रंग ने कदे सानूं देख के समझाउंदा है कदे गरीबी दे के समझाउंदा है कदे दुख दे के समझाउंदा है कदे सानू कष्ट दे के समझाउंदा है क्योंकि सतगुर मारदा नहीं सतगुर तारदा है। आखो सतनाम क्या बंदिया आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगी और ज्योत इस भावे नानका साई गल चंगी। अज जदों आया बली कंधारी हाथ जोड़े चरणा च डिगया सतगुर कहिंदे बली कंधारी नूं फकीरा एक कम करना पएगा जिसमें प्राप्त किछु ना होए हर हृदय कर त्यागो सोए जेड़े कम्मा च लाभ कोई नहीं जे तरना चाहना है वह कम छड़ दे। आखो सतनाम जिन्ना कम्मा च लाभ कोई नहीं वह कम छड़ दे जे तरना चाहना है। सच जाने आपां डुबण नहीं आए आपां तरन आए हैं ते कई बार कम डुबण वाले कर बैठे फिर उत्थे बाणी नूं कहना पिया कबीर साचा सतगुर क्या कर रहे जो सिखा मैं चूक बली कंधारी ने कीती बेनती सतगुर ने मेहर कीती दया कीती कहिंदे जिस मैं प्राप्त कछु ना होए कि जेड़े कम्मां च लाभ कोई नहीं वो कम छड़ दे। बाबा शेख फरीद दी भी बाणी है कि फरीदा जिन्नी कमी ना ही गुण तय कमड़े भी सार ओए मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। पहला लोग होंगे रब तो डरते अज लोग रिश्तेदार तो डरते पहला लोग रब खुश करते अज रिश्तेदार खुश करते रिश्तेदार खुश करन दे चक्कर च बुराइयां कर बैठते ने ते जिहड़े रब नूं खुश करते होंगे बुराइयां छड्डदे होंगे। आखो सतनाम इसे लिए क्या मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। सतगुर ने जदों कहा कि छड़ दे काम जिहड़े च लाभ नहीं कहिंदा सच्चे पातशाह की छड्डां सतगुर कहिंदे जिहड़े गुस्से च पत्थर रोड़िया गुस्सा छड़ दे जिहड़े हंकार च पत्थर रोड़िया हंकार छड़ दे ओ जिहड़े मोह विच तलाई सांभी बैठे ओ मोह छड़ दे ओ जिहड़ा इकट्ठा करन दी विरती बणी होई है इहदा त्याग कर अंदर त्याग लै के आ। जदों समझाया कहिंदा सचे पातशाह जे ज्ञान दे रहे हो ते ज्ञान नूं सांभण दी कृपा भी करो। सतगुर कहिंदे किसे होर तो समझ लई ते बली कंधारी ने हाथ जोड़ के कहा सचे पातशाह कोई किसे दा कोई कोई किसे दा किसे दा कोई किसे दा किसे दा कोई मेरा एक तू ही मालका 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 कोई किसे दा किसे दा कोई मेरा एक तू ही मालका
मेरा एक तू ही मालका, 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 मेरा एक तू ही मालका। जी कोई किसे दा कोई, कोई किसे दा कोई, कोई किसे दा कोई। सतगुर ने समझाया, दया की, भाई मर्दाना जी की प्यास बुझा के सच समझाया, पर वली कंधारी का हंकार मिटा के सच समझाया। साखी तो स्पष्ट हो जाता है कि सतगुर किसे नु मारदा नहीं, सब नु तारदा है। गुरु प्यारी साध संगत जिवें सतगुर प्रत पाले नित सार संभाले, इसलिए गुरबाणी ने गुरु नु कहा, सचे पातशाह तुसी मैनू मेरी मां वर्गे लगदे हो, क्योंकि मां भी प्रत पाले नित सार संभाले। इसलिए सतगुरां ने बाणी लिखते हुए भी कहा कि गुरदेव माता कि तुसी मेरे मां वर्गे। गुरु प्यारी साध संगत मैं यही कहांगा कि हे साहिब दीन दुनी दे मालिक दातार, दिवंगत आत्मा स्वर्गीय माता जसपाल कौर नूं अपने चरणा विच निवास देना, पर पूरे परिवार दे सर ते मेहर भरिया हथ रखना। इन्हां दे पति सरदार मेजर सिंह बराड़, पर इन्हां दे सपुत्र सरदार परमजीत सिंह बराड़, उन्हां दे सपुत्र सरदार गुरतेज सिंह बराड़, सारिआं दे सर ते मेहर भरिया हथ रखना दाता। इस विछोड़े नूं सहण दी ताकत देना, और आउण वाला समां सिमरन वाला होवे। माता दीआं शिक्षां दे अनुसार जो चंगियाई जो सच्चाई मां ने सिखाई होवे, उस सच्चाई चंगियाई दे नाल जीवन चलदा रहे तुहाडे आसरे नाल। इह बेनतियां करदे होए अंत विच यही कहांगा कि जिवें गुरबाणी सानू नफरत तो दूर करदी है, सच जाणिओ सानू जन्म देने वालियां मावां भी नफरत तो दूर करदीआं। जे गुरबाणी सानू क्रोध हंकार तो दूर करती है, सानू जन्म देने वालियां मावां भी सानू क्रोध तो परे ले जांदियां ने, हंकार तो परे ले जांदियां ने। पर बाणी कहिंदी बंदिया सच्चा ज्ञान ही ये है, नहीं तो तू सुनिया बहुत कुछ ते तै नर क्या पुराण सुन कीना, अन पावनी भगत ने उपजी भूखे दान ना दीना। जे तेरे अंदर भगती ना पैदा हुई, जे तू भुखे नू रोटी ना खवा सकिया, सच जाणी तेरा सारा कुछ सुनिया होया बेकार है। इन्ना नहीं काम ना विसरियो, जे तेरे अंदरों वासना ना मरी तां वी सुनिया होया बेकार, क्रोध ना विसरियो जे क्रोध ना मिटिया सुनिया होया बेकार, और इन्ना ही नहीं लोभ ना छूटियो देवा जे अंदरों लालच ना मरिया सुनिया होया बेकार, और सब तो वड्डी गल पर निंदा मुख ते नह छूटी निफल भई सब सेवा, के जो अपने अंदरों बुराई ना मार सकिया तो सुनिया होया बेकार। साडा सुनिया होया सतगुर सार्थक करन, दया करन, पूरे परिवार ते मेर भरिया हथ रखन। अंत विच यही कहांगा कि सानू ये समझ आ सके कि साथ ना चाले बिन भजन, विखिया सगली छार, हर हर नाम कमावना नानक ए तन सार। सो भुल्लां चुकां दी दियो माफी, गुरु प्यारी साध संगत बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद को अंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया, सहज से ती मन वजिया वाया, प्राग रतन परवार परियां शब्द गावण आया, सब दो ता गावो हरि के रामन जिन्नी बसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, कह मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे,
करता तेरे सब किछ है जिस दे सोवावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही करते साचा नाम आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान किता गुरबिट हो जिस दिया कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम आधार पंच शब्द कर सभा के शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया और कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कहलागे कह नानक ते सुख हुआ तित कर अनहद वाचे अनद सुनो वड पाकियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पै सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनित कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे दिन वंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद दूरे सतोक पवन गुरु पानी पिता माता दर्द महात दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया बाचे तरफ दूर करनी आपो आपनी के नेड़ के दूर जिमनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखे उजले के ती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।